इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि 27 साल से कांग्रेस गुजरात में सिर्फ हार रही है। पाने के लिए सब कुछ इसलिए है कि अगर सब ठीक रहा तो कांग्रेस 27 साल बाद हार का सूखा खत्म कर सकती है। कांग्रेस गुजरात में ऐसा दांव खेलने जा रही है जिसकी राजनीति में कोई मिसाल नहीं है। कांग्रेस ने नरेश पटेल नाम का ऐसा हीरा ढूंढा है जिसे राजनीति में कभी परखा नहीं गया। नरेश पटेल अब तक राजनीतिक नहीं है, न कभी खुद चुनाव लड़े, न किसी को लड़वाया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बार गुजरात में चुनाव की कमान नरेश पटेल को देने का मन बना चुकी है कांग्रेस। कहा जा रहा है कि नरेश पटेल की एंट्री की अटकलों ने ही लिखी हार्दिक पटेल की एग्जिट की स्क्रिप्ट। हार्दिक गुजरात कांग्रेस में ज्यादा अहमियत नहीं मिलने के कारण पहले से इनसिक्योर महसूस कर रहे थे। नरेश पटेल के आने पर सब कुछ खत्म हो जाने का खतरा सता रहा था हार्दिक पटेल को। खूब भला बुरा कहकर हार्दिक पटेल अब कांग्रेस से जा चुके हैं। कांग्रेस ने उनको जाने से रोका भी नहीं। कांग्रेस ने गुणाभाग किया कि नौजवान पाटीदार हार्दिक पटेल के जाने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना फायदा बुजुर्ग पाटीदार नरेश पटेल के आने से होगा। स्टेट लेवल पर नरेश पटेल की कांग्रेस नेताओं से बात हो चुकी है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर कई पार्टी नेताओं के साथ राजकोट में नरेश पटेल के फार्म हाउस में मिल चुके हैं। फाइनल अनाउंसमेंट से पहले नरेश पटेल की सोनिया गांधी से आजकल में मीटिंग होनी है। एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी के सौराष्ट्र दौरे का भी कार्यक्रम बन रहा है। अगर सब ठीक रहा तो नरेश पटेल अपने गढ़ सौराष्ट्र से राजनीतिक लॉन्चिंग करेंगे। नरेश पटेल एक अनुशासित व्यक्ति है, अच्छे नेता है, सामाजिक चेहरा है। अगर उनके आने से इनके पेट में दर्द हो रहा है तो उसका इलाज कांग्रेस के पास नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि नरेश पटेल चुनाव अभियान समिति के प्रमुख बन सकते हैं। चुनावों में सीएम उम्मीदवार के बाद किसी की चलती है तो वो चुनाव अभियान समिति का प्रमुख ही होता है। कांग्रेस के पास ना तो विकल्प है ना ही हड़बड़ी की कि किसी को सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर दे। अगर इस भूमिका में भी नरेश पटेल खुद को साबित कर पाए तो आगे के हर रास्ते खुल जाएंगे। नरेश पटेल फाइनली कांग्रेस में आएंगे या नहीं, आए तो कांग्रेस को जिता पाएंगे या नहीं, ये सारे सवाल है। जिस नरेश पटेल पर कांग्रेस सारी बाजी खेलने के लिए तैयार है वो प्रशांत किशोर के भी करीबी माने जाते हैं। 2024 के लिए जब प्रशांत किशोर और कांग्रेस की बातचीत शुरू हुई उसी समय से नरेश पटेल के कांग्रेस में आने की चर्चाएं तेज हुई थी। प्रशांत किशोर कांग्रेस में आए नहीं और नरेश पटेल अब तक नहीं आए हैं। ऊपर से प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी कर दी है कि कांग्रेस गुजरात भी हारेगी और हिमाचल प्रदेश भी। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस ने नरेश पटेल में ऐसा क्या देख लिया कि इतना एतबार करने को तैयार हो गई कि वो मोदी शाह जैसे चुनावी चाणक्यों को चित कर देंगे। इस सवाल का जवाब मिलता है नरेश पटेल की प्रोफाइल से। नरेश पटेल पर कांग्रेस के भरोसे के पीछे है उनका पाटीदार होना। ऐसा माना जाता है कि इस समय पाटीदारों में नरेश पटेल से बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। होडल दाम ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते नरेश पटेल ने पाटीदारों के सामाजिक धार्मिक विकास का जिम्मा उठाया हुआ है। पाटीदारों की कुल देवी उमिया देवी के मंदिर का जीर्णोद्वार कराकर वो पाटीदारों में लीडरशिप स्किल्स साबित कर चुके हैं। श्री खोडलधाम ट्रस्ट यानी एसकेटी राजकोट से लगभग 60 किलोमीटर दूर कागवाड़ में लेउआ पाटीदार की देवी खोडियार मंदिर का प्रबंधन करता है। गुजरात की 182 सीटों पर पाटीदार वोटरों का असर 70 सीटों पर माना जाता है। ये 70 सीटें सूरत और सौराष्ट्र के 11 जिलों में आती हैं। नरेश पटेल इसी इलाके में असरदार माने जाते हैं। गुजरात में पाटीदारों की आबादी करीब 16% है। इसमें लेउआ पटेलों की आबादी 60% और कड़वा पटेलों की आबादी 40% है। नरेश पटेल 60% वाले लेउआ पटेल समाज के हैं। नरेश पटेल के बायोडेटा का प्लस पॉइंट ये भी है कि वो दोनों उपजातियों में बराबर सम्मान पाते हैं। पाटीदार बीजेपी के लिए पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात सीएम रहते हुए
पाटीदार और बीजेपी के बीच कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2015 में हार्दिक पटेल ने पाटीदारों के लिए आरक्षण के लिए आंदोलन चलाकर दरार डाल दी। 2017 के चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी डेंट लगी थी, 99 सीटें जीतकर जैसे तैसे सरकार तो बना ली, लेकिन 77 सीटें जीतने से गुजरात में कांग्रेस के जैसे पर ही निकल गए। 2017 के नतीजे के कारण ही कांग्रेस ये सोच पा रही है कि 2022 में गुजरात में बीजेपी को हराया जा सकता है। नरेश केजरीवाल को ना कह चुके हैं, बीजेपी के साथ जाने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कांग्रेस और नरेश पटेल दोनों को एक दूसरे में संभावनाएं दिख रही हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं, अपनी राय भी दें। देखते रहिए न्यूज़ तक।